नमस्ते पेरेंट्स, मैंने इसके पहले आपको एक इंग्लिश में मैसेज भेजा है, वो आप ज़रूर से सुनिएगा। और मैं अभी एक हिंदी में आपसे बात करूँगा, जैसे एक सारांश रूप से। मैसेज जो इंग्लिश में मैसेज भेजा उसका तात्पर्य यही है कि एक बच्चों को रिदम होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि बच्चे सुबह रेडी हो के जैसे वो स्कूल जा रहे हैं वैसे ही वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। उनको उनके जो भी नाइट सूट है वो बदल के एक फॉर्मल क्लोथ में आना ज़रूरी है। इट कुड बी द स्कूल यूनिफॉर्म, इट कुड बी द रेगुलर वेयर, बट इट कैन नॉट बी समथिंग जो वो रात को पहने हुए हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि दे मेंटली उनको फील हो कि हम लोग स्कूल जा रहे हैं, भले वर्चुअली जा रहे हैं। उनके लिए एक सेपरेट जगह चाहिए, डेडिकेटेड जगह, वो जो शायद डिफ़िकल्ट हो सकती है, बट आप अगर मैनेज कर सकोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ वो अनइंटरप्टेड 8:30 से 3 है या 8:30 से 1 बजे तक है, छोटे बच्चों के लिए वो एक डेडिकेटेड स्पेस उनको मिले। उनको एक डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट लगेगा, डेडिकेटेड या तो टैब या तो कंप्यूटर या तो डेस्कटॉप लगेगा। फ़ोन पे वो लोग इतना लंबा नहीं खींच पाएंगे, पढ़ाई भी ठीक से नहीं होगी और वो कनेक्ट नहीं होगा। और ऐसा लग रहा है कि हमको तैयारी करनी चाहिए लंबे कि ये सब लंबा चलेगा। हम अभी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टिव की राह देख रहे हैं एंड होपफुली सब ठीक हो जाएगा, 1 अप्रैल से हम लोग वापस आ पाएंगे। बट इन केस अगर नहीं आ पाए तो हमको तैयारी करनी है। अभी हमको ऐसे ही तैयारी करनी है कि ये लंबा चलेगा। सो मैंने जो आपको ये सब बताया कि वो रूटीन होना, वो रिदम होना, वो बहुत ज़रूरी है, ये एक्सपर्ट्स ऐसे बोल रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट है या होम स्कूलिंग वाले पेरेंट्स जो सालों से अपने बच्चों को होम स्कूल कर रहे हैं, उनकी ये राय है कि एक रिदम होना ज़रूरी है, एक सेपरेट स्पेस, सेपरेट इंस्ट्रूमेंट। और वो ऐसा भी हमसे शेयर कर रहे हैं कि रिसर्च बताती है कि थोड़ा आपके लिए और उनके लिए इनिशियली ऐसा डिफ़िकल्ट पड़ेगा, बट आप लगे रहिए, आप बीच में से मत छोड़ दीजिए इस चीज़ को। धीरे धीरे बच्चों को और आपको इस चीज़ की आदत हो जाएगी। हैंगआउट सेशंस करना बहुत बहुत ज़रूरी है, एकेडमिक से ज़्यादा बच्चों को भी इमोशनली और सोशली एक दूसरे से के साथ कनेक्टेड रहने की बहुत ज़रूरत है। फिज़िकली वो तो हम एडवाइस करेंगे कि आप बिल्कुल उनको घर पे ही रखिए, फिज़िकली कोई दूसरा सोशल इंटरेक्शन नहीं करवाए। बट वर्चुअली हम बहुत अच्छा सोशल इंटरेक्शन करवा सकते हैं उनको, दूसरे बच्चों के साथ, उनको टीचर्स के साथ। तो हैंगआउट सेशन में इम्पॉर्टेंट है कि वो सुबह हैंगआउट सेशन में, मॉर्निंग सर्कल में, क्लोजिंग में, बीच में भी अगर हैंगआउट सेशन होता है तो वो पार्टिसिपेट करें, आप ज़रूर से कीजिए। हम बड़ी प्रोग्राम एक शुरू कर रहे हैं, बड़े बच्चे अपने स्कूल के छोटे बच्चों के साथ टच में रह सके, जस्ट 5 मिनट्स चेक इन कर सके, कुछ हेल्प कर सके, उनको इमोशनली हेल्प कर सके, एकेडमिकली हेल्प कर सके, टेक्निकली हेल्प कर सके, 5-5 मिनट हर एक बच्चे के साथ, बड़े बच्चे छोटे बच्चों के साथ कर सके, उसको बड़ी प्रोग्राम हम कहेंगे। तो ये सब हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आप बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हो। हमने 1 वीक में पूरी स्कूल को फिजिकल से वर्चुअल कर पाए। आप लोग टेक्नोलॉजी फटाफट सीख गए, ये आपके सपोर्ट के बिना नहीं पॉसिबल था। टीचर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और टुगेदर आई थिंक विल बी एबल टू गो थ्रू दिस डिफिकल्ट फेज। हम मिलके इस कोरोना वायरस का सामना करेंगे, डॉक्टर्स जो करना है करेंगे, बट इमोशनली हम स्ट्रांग रहेंगे, रेजिलियंट रहेंगे। और हम लोग जैसे हम लोग रेगुलर स्कूल में जा रहे हैं वैसे ही एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे अपने बच्चों के लिए। हम दूसरे भी इनिशिएटिव्स करते रहेंगे, डिज्नी का एक्सपीडिशन हमने शुरू किया है लास्ट वीक, दूसरे भी हम करते रहेंगे जो एकेडमिक्स के सिवा बच्चों को क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में ऑक्यूपाई कर सके, आप भी उसमें जुड़ सकते हो। सब इनिशिएटिव्स करते रहेंगे, आप टच में रहना। अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ सुझाव है, कुछ सजेशन है पेरेंट क्वेरी फॉर्म से, आप हमको भेज सकते हैं, एकेडमिक सिलेक्ट कीजिए, हम डेफिनेटली उसके बारे में सोचेंगे और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। बस सेफ रहना और विल कीप इन टच। थैंक यू, बाय।